नमस्कार दोस्तों दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी लोग जान चुके हैं कि लेट्स ग्रो ने अपनी एक अलग ही पहचान बना ली है हिंदुस्तान के अंदर, और काफी सारे लोग लेट्स ग्रो के साथ काम कर लाखों रुपए हर महीने कमा भी रहे हैं। और कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे लीडर्स हैं जो कि मोदी केयर में काम कर रहे हैं, जो कि ओके लाइफ केयर में काम कर रहे हैं, जो कि वेस्टीज में काम कर रहे हैं, और वो उन कंपनियों को छोड़कर लेट्स ग्रो के अंदर आ चुके हैं, और लेट्स ग्रो के माध्यम से वो अब उन कंपनियों की तुलना में काफी ज्यादा मात्रा में पैसा कमा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आज का हमारा ये वीडियो है मात्र लेट्स ग्रो की रीपर्चेज के ऊपर, यानी कि किस प्रकार से हम लेट्स ग्रो की रीपर्चेज कर सकते हैं, किस प्रकार से हम लेट्स ग्रो के माध्यम से अपना व्यापार स्टार्ट कर हम ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, किस प्रकार से हम हमारी टीम को डेवलप कर सकते हैं, और अगर हम फेलियर साबित हुए हैं अपनी लाइफ के अंदर तो हम किस प्रकार से लेट्स ग्रो के साथ अपना व्यापार स्टार्ट कर हम भी ज्यादा से ज्यादा पैसा लेट्स ग्रो के माध्यम से कमा सकते हैं, वो सारी की सारी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप सभी के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा विदाउट स्किप के। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, काफी सारी कंपनियां हमारे हिंदुस्तान के अंदर मौजूद हैं जो कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां हैं, और काफी सारी रेपुटेटेड कंपनियां ऐसी हैं जिनके अंदर लोग फेलियर साबित हो चुके हैं, और वो एक कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी के अंदर जाते रहते हैं, यानी कि मेंढक की तरह उछलते रहते हैं, कभी इस कंपनी में, कभी उस कंपनी में, कभी तीसरी कंपनी में, कभी मोदी केयर में, कभी वेस्टीज में, कभी एचएचआई में, कभी ओके लाइफ केयर में, और कभी लेट्स ग्रो के अंदर। तो कंपनियों का सारा फंडा, सारा का सारा तरीका एक ही होता है कि उनका प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा रीसेल हो, उनका प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा कंजप्शन हो, उनका प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बिके, ताकि वो आपको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा, ज्यादा से ज्यादा इंसेंटिव और ज्यादा से ज्यादा बोनस और रिवार्ड्स आपको दे सके। लेकिन यहां पर हम बात करेंगे मात्र और मात्र लेट्स ग्रो के बारे में, जो कि हमारा एक ऐसा बहुत ही सुंदर प्लान डिजाइन किया गया है जो कि आज तक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर किसी भी कंपनी ने नहीं डिजाइन किया। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल नेटवर्क फ्रेंडली प्लान हमारा लेट्स ग्रो का रखा गया है, जिसके अंदर ज्वाइनिंग अमाउंट भी बहुत कम रखा गया है, 770 रुपए। 770 रुपए के बदले में हमें 800 रुपए का प्रोडक्ट दिया जाता है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, और 800 रुपए के प्रोडक्ट के अंदर भी हमें ऐसा प्रोडक्ट दिया जाता है जो कि हम हमारे दैनिक जीवन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके अंदर हमारे किचन के कुछ मसाले मिल सकते हैं, कुछ हमारे टूथपेस्ट वगैरह मिल सकता है, कुछ नमकीन वगैरह मिल सकता है, कुछ हमारे को ये मान लीजिए धनिया चावल वगैरह कुछ भी हमें दिया जा सकता है, लेकिन हमें प्रोडक्ट 800 या उससे ज्यादा रुपए का जरूर हमें मिलेगा, यानी कि 770 रुपए से कम का प्रोडक्ट हमें नहीं दिया जाएगा। तो ये सबसे अच्छा प्लान है और सबसे बेस्ट है। साथ ही साथ यहां पर लेट्स ग्रो की एक अच्छाई की बात अगर हम करें तो लेट्स ग्रो आपको आजादी देती है पैसा कमाने की। लेट्स ग्रो आपको आजादी देती है अपना दोबारा से काम आप स्टार्ट करो, और आप लेट्स ग्रो के माध्यम से अपने सारे के सारे सपने पूरे भी करो। जी हां दोस्तों, लेट्स ग्रो हमें एक सैलरी बेस्ड सिस्टम प्लेटफॉर्म दे रही है, जिसके अंदर अगर आप अपनी टीम को डेवलप करते हो तो आप हर महीने लेट्स ग्रो के माध्यम से एक लेवल कंप्लीट करने के बाद में, अपने मैट्रिक्स कंप्लीट करने के बाद में, आप लेट्स ग्रो के माध्यम से हर महीने 10,000 रुपए की सैलरी आप प्राप्त कर सकते हो। साथ ही साथ आपको ESI और PFB लेट्स ग्रो के माध्यम से आपको प्राप्त होने वाला है। हम बात कर रहे हैं क्या लेट्स ग्रो के अंदर ऑनलाइन रिपर्चेज की फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, काफी सारे लीडर्स ऐसे हैं जो कि लेट्स ग्रो को अपना चुके हैं, काफी सारे फेलियर्स ऐसे हैं जो कि हर कंपनी को अपना चुके हैं लेकिन किसी के अंदर भी सफल नहीं हो पाए, यानी कि वो असफल हुए, उसके पीछे कई कारण हैं। कुछ लीडर का सपोर्ट ना मिलना, कुछ प्रोडक्ट महंगा होना, कुछ उनके नियर बाई कोई भी शॉप अवेलेबल ना होना, और कुछ उनके अंदर कॉन्फिडेंस ना होना। जी हाँ दोस्तों, सबसे मेन चीज है कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस ना होना। अगर उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है तो
तो किसी भी कंपनी के अंदर चले जाइए, वो कंपनी के अंदर कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे और हर कंपनी के अंदर वो फेलियर ही साबित होते चले जाएंगे। तो यहां पर कॉन्फिडेंस के बारे में मैं आपको एक छोटी सी जानकारी जरूर बताना चाहूंगा और आप सभी से अनुरोध है कि वो कहानी सुनिए और सुनने के बाद में आप सभी लोग लेट्स ग्रो के माध्यम से बढ़ चढ़कर ज्यादा से ज्यादा रिपर्चेस करोगे और ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम को डेवलप करने में लग जाओगे। तो एक छोटे से गांव की कहानी मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा। एक छोटा गांव था और वहां पर एक भूखा ब्राह्मण रहा करता था जो कि घर घर जाकर भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करता था। ध्यान दीजिएगा, एक भूखा ब्राह्मण रहता था और उसका एक ही था कि वो अपने हाथ पैर नहीं हिलाता था और वो घर घर भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करता था। तो एक दिन वो अपने गांव से थोड़ा सा दूर चला जाता है और दूर चला जाता है भिक्षा मांगने के लिए। तो वहां पर उसने एक नजारा देखता है वो, और उस नजारे को देखने के बाद में वो ब्राह्मण कई समय तक सोच में पड़ जाता है, कई समय तक सोच में पड़ जाता है कि आखिर ऐसा कैसे मुमकिन हुआ, आखिर ऐसा मुमकिन कैसे है। उस ब्राह्मण ने जो देखा वो जरा आप सुनिए। एक बहुत बड़ा विशाल हाथी, बहुत बड़ा विशाल हाथी एक छोटी सी रस्सी के सहारे और एक छोटे से लकड़ी के खूंटे के सहारे बंधा हुआ था। बहुत बड़ा विशाल हाथी एक छोटी सी पतली सी रस्सी के सहारे और एक लकड़ी के खूंटे को ठोक कर उस रस्सी को उस खूंटे से बांधा हुआ था और वो हाथी उस रस्सी से बांधा हुआ था और वो हाथी वहीं पर खड़ा था। यानी कि ना तो वो रस्सी को तोड़ पा रहा था और ना ही उस खूंटे को वो उखाड़ पा रहा था, जबकि उसके लिए मात्र एक सेकंड का काम था उसको तोड़ना, उस खूंटे को उखाड़ना, लेकिन फिर भी वो हाथी उसको नहीं उखाड़ पा रहा था। ब्राह्मण ने काफी सोच विचार किया कि ये कैसे मुमकिन है और ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी विशाल काया होने के बाद में इतना ताकतवर ये जानवर है और उसके बाद में भी एक तुच्छ रस्सी के कारण ये बंधा हुआ है, आखिर ऐसा कैसे। तो उस ब्राह्मण से रहा नहीं गया और वो उस हाथी के मालिक के पास पहुंच जाता है। जैसे वो उस हाथी के मालिक के पास पहुंचता है तो अपनी सारी की सारी शंका उसके साथ वो बखान करता है, उसके साथ वो शेयर करता है कि महाराज ऐसा कैसे मुमकिन है कि इतनी विशाल काया का यह हाथी, इतनी ताकतवर यह हाथी है और आपने इसको एक पतली सी तुच्छ रस्सी से बांध रखा है और एक छोटे से लकड़ी के खूंटे से आपने इसको बिल्कुल बांध रखा है और ये चाहे तो एक सेकंड के अंदर इसको तोड़ सकता है, लेकिन फिर भी ये इसके साथ बंधा हुआ है और इसको तोड़ भी नहीं पा रहा है, ऐसा कैसे। तो वो हाथी का जो मालिक था उसने जो जवाब दिया, जरा ध्यान से सुनिएगा आप, जो हाथी का मालिक था उसने जवाब दिया वो जरा आप ध्यान से सुनिएगा और उसको सुनने के बाद में आपको यकीन हो जाएगा कि हां वाकई में हमें क्या करना चाहिए। तो उस हाथी के मालिक ने जवाब दिया कि पंडित जी ये हाथी जो है मैं बचपन से पाल रहा हूं उसको, और जब ये बहुत छोटा था, ये हाथी बहुत छोटा था तब से मैं इसको पाल रहा हूं और तब से मैं इसको इसी रस्सी से बांध रहा हूं और उस समय इसके अंदर ताकत की मात्रा कम थी और जब मैंने इसको इस रस्सी से बांधा और इस लकड़ी के खूंटे से मैंने इसको बांधा तो इस हाथी ने खूब बार सैकड़ों बार उस खूंटे को तोड़ने की, उस रस्सी को तोड़ने की प्रयास किया, लेकिन वो असफल हुआ, लेकिन वो असफल हुआ और वो खूंटा और ना ही वो रस्सी को तोड़ पाया। तो फिर जब से मैं इसको बांधता आया हूं और इसने बचपन के अंदर सैकड़ों बार इस रस्सी को तोड़ने की कोशिश की और इस खूंटे को उखाड़ने की कोशिश की, लेकिन उस समय इसके अंदर ताकत की कमी थी, उस समय यह इतना विशाल नहीं था, उस समय यह एक छोटा बालक था जिस कारण से यह ना तो रस्सी को तोड़ पाया और ना ही ये खूंटे को उखाड़ पाया। और अब भी इसको यही लगता है कि आज भी मैं ना तो इस रस्सी को तोड़ सकता हूं और ना ही मैं इस खूंटे को उखाड़ सकता हूं, क्योंकि वो जो प्रयास करना था वो प्रयास कर हार चुका है
वो अपनी हार स्वीकार कर चुका है, लेकिन आज अगर चाहे तो वो इस खूंटे को भी उखाड़ सकता है और उस रस्सी को भी उखाड़ सकता है, क्योंकि आज की जो स्थिति है वो उसकी पहले की स्थिति की तुलना में बहुत बेहतर है। पहले की स्थिति की तुलना में बहुत बेहतर है, इसके कारण आज भी ये हताश है। आज ये इसने प्रयास करना ही बंद कर दिया कि प्रयास कर वो हार चुका है और अपनी हार वो स्वीकार कर चुका है कि इस खूंटे को और इस रस्सी को मैं कभी भी नहीं तोड़ सकता। लेकिन वो बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार है, क्योंकि इस समय वो चाहे तो वो रस्सी को भी तोड़ सकता है और वो चाहे तो उस खूंटे को भी उखाड़ कर फेंक सकता है, क्योंकि इस समय स्थिति बदल चुकी है। इस समय वो बड़ा बन चुका है, इस समय उसके अंदर ताकत ज्यादा आ चुकी है, इस समय उसके अंदर बेहतर दिमाग और बेहतर सोचने की क्षमता है। तो उसी प्रकार से काफी सारे लीडर्स ऐसे हैं जो कि बहुत सी कंपनियों से हताश हो चुके हैं और फेलियर साबित हो चुके हैं, लेकिन उस समय विकल्प कुछ और थे और आज विकल्प कुछ और हैं। उस समय प्रोडक्ट की मात्रा कम थी, आज प्रोडक्ट की मात्रा भरमार है। क्वालिटी, समय और आपकी सूझबूझ समय के अनुसार बढ़ती है। लेकिन अगर आप हताश हो गए तो उस हाथी की तरह हो आप बिल्कुल से, जो कि दिखने में बहुत विशाल है लेकिन एक पतली सी रस्सी और एक लकड़ी के खूंटे के सहारे वो बंधा रहता है और बिल्कुल भी प्रयास करने से बिल्कुल डरता है, क्योंकि वो बिल्कुल प्रयास कर थककर हार चुका है। वो अपने जीवन में हार मान चुका है कि हां मैंने काम करके देखा लेकिन मैं सफल नहीं हुआ। लेकिन वो काम उसने जब किया था, जब उसके अंदर ताकत की कमी थी, जब उसके अंदर बिल्कुल छोटा बच्चा था वो, लेकिन अब उसके पास ताकत भी है और उसका शरीर भी बहुत बड़ा विशाल है, लेकिन उसने कभी भी दोबारा से प्रयास नहीं किया। लेकिन उसने कभी भी दोबारा से प्रयास नहीं किया। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को मैं बता दूं कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर काफी सारी कंपनियां ऐसी आती हैं जिसके अंदर हो सकता है आप फेलियर साबित हो गए होंगे, लेकिन फेलियर साबित होने का रीजन आप ही जानते हो कि आपको स्पॉन्सर ने मदद नहीं की, या फिर आपको प्रोडक्ट टाइम पर नहीं मिला, या फिर आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं लेके आए, यानी कि आप में काम करने की क्षमता की कमी थी। वो आप सभी लोग जानते हैं कि क्या कारण है, लेकिन मैं यहां पर आपको एक जानकारी जरूर बताना चाहूंगा कि लेट्स ग्रो ऐसा प्लेटफॉर्म लेकर आया है जो कि आप सभी को आजादी दे रहा है, आप सभी को अपना काम दोबारा से स्टार्ट करने की फैसिलिटी दे रहा है, सैलरी सिस्टम दे रहा है, ESI दे रहा है, PF दे रहा है, और आप उसका जरूर इस्तेमाल करिए और आप एक शुरुआत जरूर कीजिए। और आपको मैं बता दूं, रीपर्चेज को लेकर सभी कंपनियों का फंडा टिका रहता है। रीपर्चेज जब तक नहीं होगी तब तक कंपनियां आपको फैसिलिटी नहीं देगी, तब तक कंपनियां आपको बेनिफिट्स नहीं देगी, तब तक कंपनियां आपको सैलरी नहीं देगी। चाहे आप किसी भी कंपनी में चले जाइए, मोदी केयर हुई, वेस्टीज हुई, ओके लाइफ केयर हुई, MI हुई, यानी कि कोई भी कंपनी के अंदर आप चले जाओगे तो सभी का एक सिमिलर हमारा बिल्कुल प्लान रहता है कि रीपर्चेज। अब रीपर्चेज की अगर हम बात करें तो क्या हमारे लेट्स ग्रो के अंदर ऑनलाइन रीपर्चेज की फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं है, काफी सारे लोग यही सवाल करते हैं। अब आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता दूं, काफी सारे लोग यही सवाल करते हैं क्या हमारे लेट्स ग्रो के अंदर ऑनलाइन रीपर्चेज की फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं है, किस प्रकार से हम लेट्स ग्रो का रीपर्चेज कर सकते हैं, कैसे हमें प्रोडक्ट की प्राप्ति होगी। तो देखिए दोस्तों, प्रोडक्ट की प्राप्ति आपको जरूर होगी, और अगर आपने एक लक्ष्य बना लिया, अगर आपने अपना एम डिसाइड कर लिया कि हमें इस वे के ऊपर आगे बढ़ना है, तो वो रास्ता बहुत ही आसान बन जाएगा। क्योंकि एक रास्ता जब बंद होता है तो जीवन के अंदर तीन नए रास्ते जरूर ओपन होते हैं, लेकिन वो रास्ते आप ही को देखने पड़ेंगे, आप ही को ढूंढने पड़ेंगे। देखिए, अब काफी सारे लोगों के सामने यही समस्या उत्पन्न होती है कि क्या लेट्स ग्रो हमें ऑनलाइन रीपर्चेज की फैसिलिटी देता है। तो देखिए दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि लेट्स ग्रो हमें ऑनलाइन रीपर्चेज की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता है, यानी कि हमें लेट्स ग्रो के माध्यम से कोई भी ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं मिलती है रीपर्चेज की। आपको रीपर्चेज नियर बाय शॉपी से ही करना होगा, यानी कि नियर बाय अगर आपके पास शॉपी नहीं है तो क्या आप लेट्स ग्रो के अंदर असफल बन जाएंगे? नहीं,
नहीं माय डियर फ्रेंड, जब तक आप अपने अंदर हौसला रखोगे तब तक आप कभी भी असफल नहीं हो सकते। यानी कि जब तक आपके अंदर काम करने की क्षमता है, जब तक आप हार नहीं मानोगे उस हाथी की तरह, तब तक आप आगे ही बढ़ते रहोगे। यानी कि एक रास्ता अगर आपका बंद होता है तो अगर आप देखोगे तो बिल्कुल तीन रास्ते आपके नए खुलेंगे, लेकिन वो रास्ते आप ही को ढूंढने पड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, यानी कि एक रास्ता अगर आपका बंद होता है तो तीन नए रास्ते आपके सामने खुलकर आते हैं, लेकिन वो रास्ते ढूंढने आप ही को पड़ेंगे। अब रीपर्चेज के ऊपर अगर हम समस्या की बात करें तो रीपर्चेज हम सभी लोग एक टीम रूप के अंदर कर सकते हैं, एक टीम वर्क के रूप में काम कर हम कर सकते हैं। एक अच्छा मैनेजमेंट बनाकर हम हमारी टीम के साथ कम्युनिकेशन कर हम एक साथ हमारी सारी की सारी टीम का रीपर्चेज कर सकते हैं नियर बाय सापी से, चाहे वो 100 किलोमीटर हो, चाहे 100 किलोमीटर हो, चाहे वो 350 किलोमीटर हो, या फिर हम कह सकते हैं कि अदर स्टेट्स के अंदर जाकर अगर हमें रीपर्चेज करना पड़े तो भी हम हमारी टीम के लिए रीपर्चेज कर सकते हैं। लेकिन एक सिंगल व्यक्ति के लिए करना पॉसिबल नहीं है। अगर हम एक टीम के रूप में काम करेंगे, अगर हम अच्छा मैनेजमेंट बनाएंगे, अगर हम 50 से 70 लोगों की टीम बनाकर एक साथ हमारी नियर बाय अदर स्टेट्स की शॉपी में भी अगर हम पैसा डालेंगे तो वो शॉपी ऑनर वहां पर सारे के सारे मेटेरियल को बिल्कुल बंच बनाकर और ट्रांसपोर्ट में लगा सकता है। जब अगर ट्रांसपोर्ट का कुरियर का जो चार्जेस आता है वो सारी टीम में डिवाइड होगा तो मुश्किल से 10 या 12 या 15 रुपए एक सिंगल मेंबर के ऊपर हमारा डिलीवरी चार्जेस आएगा, तो वो सभी के लिए अफोर्डेबल होगा। यानी कि रास्ता हमारा खूब है, हमें देखने की जरूरत है, हम उस रास्ते के ऊपर चलने की जरूरत है। और अगर आप उस हाथी की तरह रहना चाहते हो जो कि पहले अपनी लाइफ में हार मान चुका है और फिर भी वो प्रयास नहीं करता, तो आप उस विशाल हाथी की तरह हमेशा फेलियर बनकर रह सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको फेलियर बनना है या फिर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, यही कुछ छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर ली जाए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना